ये जो ज्ञान है श्रीमद् भगवद् गीता में अद्भुत है। आप पूरा दुनिया घूम के देख लो, सब ग्रंथों को छान के देख लो, आपको नहीं मिलेगा ऐसा, मिल ही नहीं सकता। ये संपूर्णता यहां पर आपको हर अक्षर में, हर वाक्य में दिखाई देने लगेगी। मगर सबसे पहले तो बीच में आनी पड़ेगी। जब बीच में आता है व्यक्ति, जरा सा होश जागता है, जरा सा होश जागे तो विषाद होने लगता है, समस्याएं अनुभव में आने लगती है। भाई दुनिया में कितनी समस्याएं हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, उष्णता बढ़ रही है सब जगह, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है, कई लोगों का इसका होश ही नहीं है, ऐसे जी रहे हैं। जब होश आता है तो लगता है अरे सारी नदियां सूख जाएंगी, पानी कम हो जाएगी दुनिया में, तो हमें कुछ करना, वृक्ष लगाना है, इस तरह के एक होश जगता है। पहले तो घबराहट होती, विषाद होता है, कई लोग उस विषाद में ही पूरा जीवन गुजार देते हैं, बिता देते हैं, उसे आगे कुछ सोचता नहीं। तो अर्जुन का विषाद योग सबसे पहला सीढ़ी है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं विषाद हो, अपने कमजोरियों को लेके विषाद हो तो कमजोरी मिटने का उपाय भी आ जाता है। दूसरा अध्याय में सांख्य योग में, बुद्धि योग में बताया, आत्म योग बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया, अर्जुन उठो जागो, किसके लिए तुम रो रहे हो, रोने लायक नहीं है, जरा एक विशाल दृष्टिकोण से जीवन को देखो, परखो, ऐसा करके चेतावनी दी, जगाई। आज हम लोग तीसरा अध्याय लेंगे, कर्म योग। अब सबसे पहले अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अब तो भ्रमित हो गया भगवान से, कई बातें सुन करके बोलता है भाई मैं करूं क्या। आप भगवान तू एक कोई चीज तो निश्चित बताओ, मैं पहले ही भ्रमित हूं, तू और मुझे भ्रम में डालता है, ऐसे क्यों घोर कर्म में मुझे तू प्रेरित कर रहा है, इस घोर कर्म के लिए तुम क्यों मुझे प्रेरित कर रहा है। युद्ध करने का मन तो बिल्कुल नहीं उसको, ताकि हृदय दौर्बल्य, दिल का दुर्बलता है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। दिमाग की दुर्बलता तो कमी कम कर सकते हैं पढ़ समझ के सुन के, मगर दिल की जो कमजोरी है वो कोई उसको ठीक कर सकता, कोई कृष्ण ही ठीक कर सकता, कोई भी उसको ठीक कर सकता है। ऐसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयाहमाप्नुयात्। जो कच्चा शिष्य होता है ना, वो समझता गुरु से ज्यादा जानते हैं, वो गुरु को ही बोलता है कि आप ठीक ठीक से बोलो मेरे को, क्या ठीक करना है ये बताओ। ऐसे ही डॉक्टर के पास कई मरीज जाते हैं, उनको डॉक्टर को बोलते हैं मुझे ऐसी दवा दो, ये दवा दो, वो दवा दो, इंजेक्शन दे दो, पिल्स नहीं देना। अरे भाई डॉक्टर जो देते वो लेना, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। नादान अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे वो कड़वा दवा नहीं चाहिए, मुझे मीठी दवा दो। अरे दवा तो दवा है,
तो इसी हालत में अर्जुन भी पूछता है कि इस घोर कर्म में मुझे क्यों तुम धकेल रहे हो। और कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, मैं पहले ही भ्रमित हूं, तुम मुझे और भ्रम में डाल रहे हो। एक कोई चीज निश्चित रूप में कहो। कर्म कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो ध्यान में मगन हो जाओ। मैं क्या सुनूं आप, कर्म करूं या ध्यान करूं? एक श्रेष्ठ गुरु का यही लक्षण होता है, वो तुम्हें निश्चित रूप से नहीं बताता, बीच में लटकाता कर। जितना कर मन में जो राग है, रजोगुण है, वो शांत होने के लिए वो तड़प उठे, पहले बुद्धि पूरा घूमे, सर से घूम फिर के फिर उसको ठीक करा रहा। तो अर्जुन का भी यही हाल रहा कि एक कोई चीज ठीक ठीक से बता, ताकि वो बहुत आसान है, अपना बुद्धि का काम करना नहीं पड़ेगा। एक कोई चीज बता दे गुरु, वही करते चले जाओ। वो करे सीधा जाओ, मन सीधा चले गए जी। लाल बत्ती आई, कहां लाल बत्ती में रोकने के लिए तो कहा ही नहीं, बोले सीधा जाओ। भाई सीधा जाओ का मतलब ये नहीं कि लाल बत्ती में तुम रुको मत, ये थोड़ी ना कहते हैं रुक रुक के जाओ। इतना ज्यादा विश्लेषण या विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इशारा भर काफी है। और हर गुरु चाहता अपने शिष्य को बुद्धिमान बना। सबसे पहले बुद्धि योग को ही उन्होंने भगवान कृष्ण ने दिखाया। बुद्धि योग बुद्धि में तीक्ष्णता लाती है, विमर्श करने की ताकत लाती है उसमें। अंध अनुयायी बनाना नहीं कृष्ण का लक्ष्य उद्देश्य। कृष्ण का लक्षण है बुद्धि को परखो, फिर उनमें से ऐसी एक विश्वास जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्ञान जगाओ। ये तो कच्चा रह जाता अर्जुन, मगर जब ये महसूस होने लगा कि मुझे भ्रम हो रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, बुद्धि कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, मैं करूं क्या, भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं, तब भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैंने पहले भी तुमसे बताया अर्जुन, दो तरह की निष्ठा होती, एक सांख्य योग जिसको ज्ञान योग कहते हैं, होश से देखो कि सब कुछ करते हुए भी महसूस करो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दूसरा कर्म योग। योगी के लिए कर्म योग, ज्ञानी के लिए सांख्य योग, ये दो निष्ठा है। न कर्मणा मनारंभई नैष्कर्मं पुरुषोष्टुते न च संन्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। बिना काम किए काम हो गया इसकी सिद्धि आ जाती है, ऐसे समझना भूल है। कुछ छोड़ना, छोड़ने के लिए भी अपने पास कुछ होना चाहिए, तभी तो छोड़ सकते हो। कर्म संन्यास माने कर्म को छोड़ना, कर्म को छोड़ने के लिए कर्म कर रहे हो तभी तो छोड़ सकते हैं। दौड़ना बंद करो ये कहने से ये मतलब है कि तुम दौड़ रहे हो, दौड़ो पहले तो, मन तो दौड़ ही रहा है, पहले ये पहचानो जानो मन दौड़ रहा है, फिर मन का दौड़ बंद कर सकते हो। तो कर्म किए बिना, शुरू किए बिना कर्म से संन्यास नहीं हो सकता है। और शरीरधारी के लिए ये करीब करीब असंभव है, तुम बिना कुछ किए एक क्षण भी रह नहीं पाओगे, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। क्यों? शरीर में गुण ऐसा है,
सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीन गुण से शरीर बना है। ये तीनों गुणों के जो स्वभाव में ही है कुछ करने का, इसलिए प्रकृति कार्यते ह्यवशक कर्मा सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रकृति से, स्वभाव से तुम करते रहोगे कुछ ना कुछ, खाली बैठे बैठे हाथ हिलाते रहना ऐसे ऐसे। देखा कई लोग टेबल में आके बेचैन कर हो जाते हैं, बेचैन वही लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए कुछ नहीं होता, या बहुत कुछ आशा मन में बनी रहती है उसको कार्य रूप में ला नहीं पाते हैं। फिर बैठे बैठे बेचैन करते, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, किसी के टेबल में ताली बजाते रहना, हमारी हर चेष्टा में नजर आने लगता है हम कितने बेचैन हैं अंदर से। बेचैनी यही है कि हम अपनी जो कर्म करने की शक्ति है उसको एक दिशा नहीं दी, उसको एक चैनल नहीं दिया, उसका एक मौका नहीं दिया, तो वो शक्ति रजोगुण क्या होता है तो शरीर में इस तरह से बेचैनी के रूप में बिखरता है, अभिव्यक्त होने लगता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशक कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार समुच्यते। मन में ही सोचते रहना। एक सज्जन हमारे पास आया करते थे, युवक था, उसका काम यही है बिजनेस मैगजीन खरीदना, 500,000 रुपया का बिजनेस मैगजीन दुनिया भर के हर हफ्ते इकट्ठे कर, और हमारे पास लेके आता था कि ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो। मैं कहा ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो करो, पर किया तो कुछ नहीं है, बिजनेस मैगजीन पढ़ते रहना ही उसका काम होगा। मैंने देखा ये 4-6 महीने से यही चल रहा है, फिर भी मैंने देखा ये 1 साल हो गया, साल भर से वही प्लानिंग में चला गया उसका सारा। मैंने कहा तुम कब से ऐसे कर रहे हो? 6 साल से कर रहा हूँ प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ जम ही नहीं रहा भाई। कोई एक चीज लेके करके तो दिखाओ, करो तो सही, सिर्फ मैगजीन पढ़ते रहने से कुछ नहीं। मैंने कहा तुम सारे मैगजीन एक तरफ फेंको, बिजनेस मैगजीन सब एक तरफ, पढ़ना बंद करो, कोई एक चीज तो पकड़ो। जब महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, मन में ही विचार करता रहता है, वो मन में ही सब हिसाब किताब लगाता रहता, कुछ काम नहीं करता, उनको मिथ्याचार कहते हैं, झूठे आचार वाले। भोजन नहीं किया, भोजन के बारे में सोचते रह गए दिन भर, काम नहीं किया, काम के बारे में सोचते रह गए। हवा में महल बनाने की बात होती, कुछ है ही नहीं जमीन में, हाथ में कुछ नहीं है, जमीन में कुछ नहीं, मगर बातें करते रहना। कई लोग ऐसे प्लानिंग में बहुत होशियार होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करेंगे, औरों को उत्साहित करेंगे, बताएंगे, मगर करते कुछ नहीं। इंद्रियों को बंद करके मन में ही सोचते रहना मिथ्याचार है। ऐसे मूढ़ बुद्धि है, माने बुद्धि कम बुद्धि वाले हैं। यस्विंद्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुना कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तम स विशिष्यते। भोजन करे पर भोजन के बारे में सोचे नहीं, जितना चाहे उतना भोजन कर ले। इस तरह से जो भी काम जितना करना उतना काम किया,
मन को संयम में रखा। जब मन को अंतर्मुख करना चाहिए अंतर्मुख किया, दफ्तर को घर नहीं ले गए, घर को दफ्तर नहीं ले गए, जहां जो है वहां उसको करते रहे, ये मन की संयम है। दफ्तर से घर आ गए, दुकान से घर आ गए, बच्चों के साथ बात करते वक्त भी दुकान की बात ही चलते रहे दिमाग में, तो बच्चों के साथ आपका जो क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाओगे। बच्चों के साथ जो समय बिताते हो उसमें पूरा 100% उनके साथ रहें, और दुकान में जब रह रहे हैं अब घर की जगह को वहां हम दिमाग में सोचते रहोगे तो वहां कस्टमर भी तुम्हारे चले जाएंगे। तो जहां जहां जो जो काम करना वहां वहां उतना ही काम किया, तो ये मन की संयम है। वो कर्म योगी उसी को कहते हैं जो अपना काम करते हुए भी मन से निर्लिप्त रहता है, वह विशेष व्यक्ति, वो विशेषता है। हर व्यक्ति में वो विशेषता है, बस उसको सिर्फ जगाना ही है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मण्य। उन दिनों में रिवाज में ये था कि कर्म सब छोड़ो, ज्ञान में रहो। क्या कर रहे हो जिंदगी भर? वेदांत की ये जो प्रक्रिया बहुत प्रचार में था, अक्सर लोग इसको गलत समझ लेते। अजगर करे न चाकरी, पंकी करे न काम, दास मलू का कह गए सबका दाता राम। दाता तो है राम, राम जो देगा वो होगा। हमें क्या करना, क्यों करना, पड़े रहे। तो वो बोलते नहीं, भगवान कृष्ण कहते नहीं, क्यों? जीवन की यात्रा भी बिना कर्म की तो चलेगी नहीं। जो कुछ भी करते हो सब कर्म ही है, सांस लेते हो छोड़ते हो कर्म है, भूख लगता है वो कर्म, प्यास लगती है तो कर्म है, शौच जाते हो, बिना कुछ किए तो रह ही नहीं पाओगे। इसलिए कर्म को सम्मान करो, जो कर्म सहज होता है वो करते जाओ, मगर उस पे असक्त होकर के कर्म करने की विशेषता बताई। और जो कर्म बताया गया वह कर्म करो। शास्त्र विदित कर्म, जो जो ड्यूटी तुमको समाज ने बांधी है उस ड्यूटी को तुम निभाओ। तुम डॉक्टर बोलते हो मैं किसी को दवा नहीं दूंगा, पड़ोसी कोई बीमार है तो उनको दवा देना तुम्हारा फर्ज है। ऐसे तुम इलेक्ट्रीशियन हो, किसी घर में बिजली नहीं है 24 घंटे से, कोई मिल नहीं रहा ठीक करने के लिए, तुम बोले मैं नहीं कुछ करूंगा, नहीं, समाज वही तुमसे आशा करती है जो तुम कर सकते हो। तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई आके नहीं बोलेगा कि मुझे दवा दो। तुमसे वही मांग किया जाता है जो तुमसे हो सकता, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी शक्ति के अंदर है, तुम्हारी बस की बात है। तो वो नहीं करें तो अपराध होता है। इसलिए तुम करते जाओ जितना तुमसे हो, जहां अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करो। यही शास्त्र विदित कर्म है। लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं वो मुक्त करता है तुम्हें, और अपने लिए जो करते हैं कर्म वो बंधन का कारण बनते हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे सभी कर्म मनुष्यों को बांधता है। यज्ञ माने
निर्लिप्त होके करना, वही यज्ञ का कर्म है। अनासक्ति से करना, आसक्ति से करना एक तरह होता है, अनासक्ति से करने वाली करना। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्टदेव यो सृष्टत कामदुग विशिष्टत कामदुग। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ की विधि बनाई, इससे जो तुम चाहो सो बनाओ। इस बात को बहुत लोग गलत समझ लिए हैं। ये जितने भी तांत्रिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज है, ये सब निहित है चेतना में। सेलफोन किसी ने आविष्कार किया होगा, मगर सेलफोन किस नियम पर चलते हैं वह नियम ने को तो ब्रह्मा ने रचाई। हवाई जहाज किसी ने बनाया होगा, मगर जिस कानून या कायदे पर हवाई जहाज को बनाया गया और जिस प्राकृतिक नियम को उपयोग की गई है वो हवाई जहाज उड़ाने में चलाने में, वह जो नियम है वही यज्ञ है। यज्ञ माने बहुत सारी चीजों को एक नियम बद्ध कर देना है, एक नियम पे चलना है, नियम को जानना है, समझना है, उसको प्रयोग में लाना, यही यज्ञ है। देव पूजा संगति करण दानेशु कहते हैं। तो यज्ञ से ही तो अब बिजली चल रही है, यज्ञ से तो माइक चल रहा है, यज्ञ से मकान बनी। एक आदमी से नहीं बने, कई लोग मिलके करें वो यज्ञ होता है, कई लोग मिलके सबके लिए जो करें वो यज्ञ होता है, कई लोग मिलके सबको सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं वो यज्ञ होता है। दुख देने वाले को यज्ञ नहीं बोलते हैं। सब मिलकर के आप किसी एक जो पावर हाउस में चले जाइए, एक आदमी थोड़ी ना वहां बिजली जला रहा है, कितने सारे लोग वहां काम कर रहे हैं। और किससे किस विधान पर काम करें, कोई सृष्टिकर्ता का एक विधान बना, उस विधान को लेके काम कर रहे तो वो यज्ञ हुआ। जो हवन करते हैं हम लोग, यज्ञ करते हैं, उसको भी यज्ञ इसीलिए कहते हैं, कई लोग मिल करके वहां पर मंत्र का उच्चारण करते हैं, कई जड़ी बूटियों को लेके आते हैं, उसमें जड़ी बूटी कोई उगाता है या जंगल में जाके लेके आएगा, पहचान करके फिर उसको हवन सामग्री बनाता है। ये सब का मेल मिलापा से ये यज्ञ हुआ या होता है। गाय को धोते हैं दूध से, दही, दही से घी, मक्खन और घी चढ़ता फिर हवन में, माने कई लोगों की जो सहयोग से एक काम संपन्न होता है। सूक्ष्म जगत की बात है, कई देवता शक्ति, दैवी शक्ति। लोग अक्सर कहते हैं ये क्या, इस सनातन धर्म में, भारत धर्म में इतने सारे देवी देवता, प्रकृति है ऐसे। बिजली में देखो कितने तरह की है, वोल्टेज है, करंट है, रंग है। इस तरह से चेतना में विभाजन कोई देख ले, नाम रूप दे दे उसको, उसमें गलती क्या है, वो तो बहुत बड़ा साइंस है। हमारी चेतना में ही सारी देवी देवताओं का प्रस्फुरण है, वहीं वो प्रकट होते हैं सारी देवी देवता। चेतना माने जैसे एक बिजली, और बिजली में अलग अलग तरह का, अलग अलग रंग, अलग अलग वोल्टेज का, अलग अलग तरह के
इसको हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर ढंग से पेश कर दी। शरीर को ही देखो ना, एक ही सेल, पहले एक सेल में एक जीवाणु कहीं कान बन गया, कहीं आंख बन गई, कहीं उसी कीटाणु में कहीं जीभ बन गया, कहीं दांत। जीभ और दांत में कितना फर्क है, दांत कितना मजबूत है, जीभ कितना कोमल है। तो एक ही जीवाणु से पूरा शरीर बना, मगर उसमें जो डीएनए तल तरह, एक आदमी के डीएनए को देखेंगे तो उसमें पता नहीं कितना हजारों पैटर्न्स हैं उसमें। तो वही देवी शक्ति है कहीं। इसी तरह चेतना में, हमारे जो चेतना जीवन जीवन ऊर्जा है, उसमें कई देवी देवताओं का स्पंदन है, या उस स्पंदन को ही अलग अलग नाम देके देवी देवता के रूप में हम हमने पहचाना जाना। परस्परम भावयंत श्रेय परम वापनुयात। देवता लोगों के यही लक्षण है, वो एक दूसरे की सम्मान करते हैं, एक दूसरे को भाव करते हैं। ये मूर्ख लोग सोचते हैं अरे एक फूल मिल गया तो एक भगवान को चढ़ा, दूसरे का नाराज ना हो जाए हम पर। आदमी नहीं नाराज होता है ऐसी मौके पर, हम लोग देवता पर ये सब आरोपित कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। दैवी शक्ति, ये प्राकृतिक शक्ति, जितनी शक्तियां हैं प्रकृति में, वो एक दूसरे के पूरक हैं। लगता होगा एक दूसरे से लड़ रहे हों, मगर एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि तत्व हो तो जल तत्व, जल तत्व हो तो अग्नि तत्व, वायु तत्व हो तो ये दोनों। इस तरह से सारे संसार में जितनी दैवी शक्तियां हैं, दैवी गुण हैं, दैवी तरंग है, वो एक दूसरे की भावना को रखते हैं। और यज्ञ माने यही है, इन सब का संयोजन। दिव्य शक्तियों का संयोग से कल्याण होता है। जहां भी दिव्य शक्ति का जागरण हुआ, वहां मन प्रसन्न होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, दिल प्रफुल्लित उठता हो उठता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है, वातावरण में एक सुगंध छा जाता है, ये सब सहज ही होने लगता है। ऐसे यज्ञ में जो भाग लेते हैं, उनका सब कलमश गंदगियां दूर हो जाती है। कुसंग से मन में ज्यादा गंदगी भर जाती, सत्संग से मन की जो मैल है वो धुल जाता है, सहज ही धुल जाता है। जब बहुत चिंतित हो तो कहीं जाके सत्संग में बैठो, देखो कितना फर्क महसूस होने लगता है आपको, तुरंत ही वो हट जाता है मन से। संग का ये प्रभाव, सत्संग का ये प्रभाव। और यज्ञ के लिए जो काम करते, माने सबके लिए जो करता है, वो अपने लिए भी सुख पाएगा। वो सिर्फ अपने लिए हमेशा सोचता रहता है तो व्यक्ति कभी ना कभी चोट खाने वाला है। जो कमाता है वो सब अपने लिए इस्तेमाल करे हमेशा, किसी को कोई एक कौड़ी तक ना दे तो वो व्यक्ति जीवन निरर्थक हो जाता है, उनके बच्चे ऐसे काम करने लगते हैं उनके साथ। जीवन भर कुछ धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करी, और चाहते हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करें, होगा कहाँ, होगा कैसे? हमसे
उदारता का कोई काम नहीं हुआ हो वो जीवन में दिख जाता है। बच्चे ऐसे करने लगते हमारे साथ, पर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ उदारता से व्यवहार करें। हमने किसी को सम्मान किया, हम चाहते हैं बच्चे हमको सम्मान करें, होगा ये? होने वाला नहीं। तो अपने लिए ही बनाता रहता है कोई सब कुछ, वो पाप का ही भोग करता है। फिर कहते अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठित। वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक तितली साउथ अमेरिका में अपना पंखों को फटकाए तो उसका असर चाइना के ऊपर जो बादल होती है उस पर पड़ता है। कहां साउथ अमेरिका है, कहां चाइना के बादल पर असर पड़ गया उसका, एक तितली की फंके की फटका। तो इस दुनिया में हर चीज दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। तो आप कहीं बैठ के कुछ ध्यान करते हो, जाप करते हो, ये समझते हो इसका असर सिर्फ अपने लिए है? नहीं, इसका असर पूरा संसार में फैल जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को सिद्ध किया है। हमारे हम कहते आए हैं जल को अभिमंत्रित करो, पहले पानी के ऊपर हाथ रखे, उसमें गायत्री मंत्र बोल के जल को अभिमंत्रित करते थे, फिर उस मंत्र उस जल का प्रयोग करते थे। आज वैज्ञानिक लोगों ने उसको सिद्ध किया है। चार्ज्ड वाटर कहते हैं, एक पानी को किसी भावना से तुम उस पर तरंगों को ला सकते हैं, उसकी जो शेप है उसका आकार है उसमें बदलाव ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। अभिमंत्रित जल की जो फोटोग्राफ लिया जाए तो वो बिल्कुल अलग दिखेगा, जो वैसे जल को फोटो ले दोगे तो उसका बिल्कुल अलग दिखेगा। तो इस सारा जो संसार है अदृश्य से भरा, जो दिखता है प्रपंच, ये सिर्फ 100 में से 1 हिस्सा है। जो नहीं दिखता है वो 99 हिस्सा है। आज वैज्ञानिकों ने हमारे ऋषियों को बात अपने ढंग से सामने रखी है कि बोले कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। इस सारी दुनिया में सिर्फ 15% जो है वो मैटर है, बाकी तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। 85% दुनिया की जो मैटर है वो कहते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमारे जो प्रकृति सृष्टि का सूक्त कहते हैं ऋग्वेद में नासदीय सूक्त, उसमें कहते हैं नासदासी नोसदासी तदानी, उस वक्त ना सत था ना असत था, तमस से तम आवृत हुआ था। जब पढ़ते तो कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा लोगों, बड़े बड़े विद्वान को समझ में नहीं आया कि तम से तम कैसे आवृत होके रहा, अंधेरा से अंधेरा कैसे घिरा हुआ था। आज वैज्ञानिकों के मुंह से सुनते हैं कि ऋग्वेद समझ में आने लगता है। बिल्कुल यही बात कही है ऋग्वेद में कि ये सारा संसार जो है जिस तत्व से टिका है या जिस तत्व से बना है वो अदृश्य, हमने काली तत्व कह दिया उसको, काल भैरव कह दिया।
तो इस तत्व की उपासना से हम कुछ भी यहां करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन की एक ऐसी एक उद्गार निकले, भाव निकले, उस भाव की तरंग उस डार्क एनर्जी डार्क मैटर पे पहुंच कर वो बरसा ला सकती है। हवन करते यहां जो घी डालते हैं वो तितली की अपनी फंकों को फटकाने से भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? आप डाल रहे हो और पूरा ध्यान के साथ प्रार्थना के साथ एक चम्मच घी वहां अग्नि में आहुति दे रहे हो या वो सामग्री डाल रहे हो, उसकी दुआन चल करके प्रकृति में जो वृष्टि प्रकृति में वो बारिश लाती है, यज्ञ से बारिश होता है। ये तो बहुत पुरातन विश्वास है, गांव गांव में पहले हुआ करता था। कहते जिस गांव में रुद्री का पाठ होता है और यज्ञ होता है तो उस गांव कभी अकाल नहीं पड़ता। अभी 200 साल पहले तक भारत देश कहते हैं दुनिया के जीडीपी में 38% जीडीपी हम यहां अकेले पैदा करते थे। बहुत समृद्ध देश रहा, एक भी भिकमंगे इस देश में नहीं हुआ करता था। कहते हैं कोई बीमार नहीं था, कोई भिकमंगे नहीं थी। और यज्ञ का आशा यही करते, संकल्प यही है, लोका समस्त सुखिनो भवतु, सबके सुख के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते यज्ञ, सब जनता के लिए, सबके लिए सुख हो, इस संकल्प से ही यज्ञ करते हैं। सबका मंगल हो, इस संकल्प सत संकल्प के साथ यज्ञ करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होती, बारिश से अन्न उपजता है, अन्न नहीं हो तो प्राणी दुखी हो जाता है। तो ये सब कर्म से आधारित है। तो ब्रह्म में कर्म है ये कहते हैं। ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने चैतन्य सत्ता, ईश्वर सत्ता, उसमें निरंतर कर्म है। इस सारे संसार में प्रकृति में कर्म स्थित है, स्थापित है, एक एक अणु में इतना अधिक कर्म है, भरा हुआ है। मगर इस प्रकृति का इस नियम को, प्रकृति के इस कर्म को, ब्रह्म के इस विधि को नहीं जानते हुए व्यक्ति जीवन व्यर्थ ही जीता है। अपने लिए जो आराम है, आराम आराम करके जो जीता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति के जीवन में देखो, तुम एक सबसे क्या चाहिए, सबसे आराम बहुत प्रशस्त हो तो आराम ही सब कुछ करना, वो आलसी ही बना रहता, वो कुछ नहीं आगे बढ़ पाता। कुछ जीवन में साधना हो, कुछ सिद्धि पाना हो, कुछ आराम छोड़ना पड़ता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। मगर फिर एक और बात बहुत सुंदर कह दी, यस्यात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम् न विद्यते। पर जिस व्यक्ति अपने आत्मा अपने में संतुष्ट है, प्रसन्न है, अपने से उनको बहुत अपने आप में आनंद मिल रहा है, सेंटर्ड है, उनके लिए कोई बंदिश नहीं, उनके लिए करना ही ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? आत्मतृप्त व्यक्ति सोचने पर काम हो जाता है, उनके आशीर्वाद से सब हो जाता है और वो तृप्त है, जानता भी है सब सपने काल में हो रहा है, उनके लिए कोई कार्य नहीं रहता है।
अच्छा, वो उनका करने से कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं करने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। तस्माद् असक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचरः असक्तो ह्यवरम् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तुम उस तरह से, जैसे एक योगी ज्ञानी अपने आप में तृप्त होके काम करता रहता है, तब वो नहीं करने से भी नुकसान नहीं है, करने से भी उसके लिए कोई लाभ नहीं, औरों के लिए तो लाभ होगा ही। इस तरह से तुम भी अर्जुन असक्त होकर के काम करो, इससे तुम भी तृप्त रहो। अक्सर लोग काम करते हैं तृप्ति पाने के लिए, किसी भी कर्म से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली ना मिलेगी। मैं अक्सर कहता हूं जॉब सेटिस्फेक्शन नाम का जो शब्द है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, वो होता ही नहीं, कहीं है ही नहीं। सेटिस्फेक्शन अपने में मिलता है, फिर जॉब करना पड़ता है, करना चाहिए। तो तृप्त होने के लिए तुम आत्मस्थ हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, ज्ञान में रम जाओ, आत्मरति अपने में मस्त हो जाओ, फिर तुम काम करो। जनक जैसे ब्रह्मर्षि राजर्षि राजा बनके भी इतना जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी वो अपने में थे, योगस्थ थे, इस तरह से तुम भी काम करो। अक्सर एक बालिश बुद्धि व्यक्ति को कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा, निदर्शन तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो बैठता नहीं मन में, उतरता नहीं गले में। जब तक कोई और देखो इसने भी ऐसा किया है, अच्छा हो तब तो संभव है ऐसा लगता। दुखी व्यक्ति को चीजें संभव नहीं लगती है, सब असंभव लगेगा। जितने अधिक दुखी है वो, इससे तुम पता लगाओ, छोटा सा छोटी सी छोटी काम दो उनको तो वो कहेंगे, कह रहे ये नहीं होगा। एक छोटे से छोटे काम को भी वो कह रहे अरे ये तो नहीं होगा। ये दुखी व्यक्ति यही कहेगा, उसको उसके भीतर उत्साह नहीं, कुछ निदर्शन नहीं है। तब एक निदर्शन की, देखो उसने किया है, ऐसे ऐसे राजा ने सारी जिम्मेदारी उठाई फिर भी वो ज्ञानी रहे, तो तुम भी कर सकते हो। आप एक हौसला जगा, ऐसे ही तरह तरह की निदर्शन देख देख करके अर्जुन को हर तरह से ठोक पीट करके मजबूत करने का काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अच्छा तुम कहोगे कि अच्छा मुझे कुछ नहीं करना है, जंगल में चले जाऊंगा, वहीं बैठ के ध्यान लगाऊंगा। अरे भाई जंगल में भी जाओगे तो वहां पर भी तो खाओगे पियोगे चलोगे, कुछ तो करोगे, सोओगे, तब भी कुछ तो करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, थोड़ा सा फल कंदमूल लेके आओगे, कुछ पकाओगे, कुछ खाओगे, अपने लिए करोगे, हजार लोगों के लिए करोगे, इसमें क्या है। दोनों कर्म ही है, और जब तुम में वो क्षमता है सबके लिए करने के लिए, उसमें आनंद है, वही ठीक है, तुम सबके लिए करो। सिर्फ अपने लिए करना तो वो पाप इस तरह से उनको घबरा भी दे, डरा भी दिए श्री कृष्ण को, अपने लिए तुम पचा के खाना भोजन करोगे तो ये पाप होगा, सबके लिए तुम करोगे तो वो यज्ञ होगा। इस तरह से जीवन एक समाज के लिए उपयोगी बने, हमारा जीवन समाज उपयोगी लोकोपयोगी बने तो वो यज्ञ हुआ, वह कर्म यज्ञ होता है। देश के हर नेता को ये बात याद रखनी चाहिए, वो मंत्री बने खुद के लिए नहीं। कोई मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है कि अपने बहुत बड़ा त्याग कर दे, रहे मूर्ख क्या त्याग किया तुमने, इस्तीफा देना तो एक अपराध हुआ मंत्री पद से,
क्यों? तुम्हारे सिर पर एक जिम्मेदारी रखी गई है सबकी सेवा करने के लिए। कोई नौकर आपके घर में कोई स्ट्राइक कर दे कि मैं नहीं करूंगा और अपना स्ट्राइक को ही अपना बड़प्पन समझे, क्या बोलोगे? त्याग समझे कोई? हर मंत्री समाज का नौकर है। समाज एक व्यक्ति को वहां एक मंत्री के पद पर बिठाया, किसी को प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, कोई भी मंत्री का पद दिया, ये चाहते हुए तू हमारी सेवा करो। जब सेवा का भाव लुप्त हो गया तभी तो मंत्री पद छोड़ना भी एक अहमियत की बात हो गई। ऐसे कोई कहे कि स्कूल त्याग कर दिया हूं, अरे स्कूल त्याग कर तो मूर्ख है। स्कूल भेजा है तुम्हें तो पढ़ के अच्छे हो। इसी तरह से मंत्री पद पर तुमको बिठाया कि सबकी सेवा करो, तुम कर सकते हो। वहां से इस्तीफा कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे समझने वाले कितने मूर्ख होंगे देखो बताओ। मंत्री पद का भोग नहीं करो, उसको सेवा का एक सुअवसर मानो। यही बात यहां अर्जुन को बता रहे हैं। तुम्हें राजा बना के प्रजा बिठाती है तो प्रजा अपनी सेवा करानी चाहती है तुमसे, तुम्हें पूजने के लिए वहां नहीं बिठा। हर प्रोफेशन के व्यक्ति को यही बात है। समाज तुमको एक धर्म के आचार्य गुरु बना देते हैं तो समाज की सेवा के लिए तुम्हें वो पद मिला हुआ है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। मौज मस्ती तो मिलता भी नहीं और कहीं पर आत्मा के सिवा। आत्म तृप्त होकर के तुम काम करते रहो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। है अर्जुन, अर्जुन की ये स्थिति सिर्फ कभी हुआ था ऐसा नहीं समझना। हर एक के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा होता है। किं कर्तव्य विमूढ आत्मा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी ज्ञान का, गुरु का, शास्त्र का, गीता का बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो गीता को जीवन में हजमा ले उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं। महात्मा गांधी रोज गीता का पाठ करते थे। इस देश आजाद हुआ हो तो आध्यात्मिक शक्ति के कारण से हुआ, त्याग के कारण से हुआ। हमारी राजनेता सारा त्याग और अध्यात्म सब भूलभाल बैठ गए। गीता पढ़े हर व्यक्ति। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सत्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मुख्य लोग, समाज के मुख्य लोग जो करते हैं उसी का अनुकरण बाकी सब जनता करती है। लीडर जो करता है फॉलोअर सब वही करते हैं। जो नेता जो करते हैं वो प्रजा भी वही, यथा राजा तथा प्रजा जो बात है वही बात कह रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र में जो अग्रगणी हैं, आगे जो लोग हैं, उनका अनुकरण सब करने लगते हैं। अक्सर लोग नकल करने वाले ही ज्यादा होते हैं। अनुकरण और नकल में दो एक फर्क है। नकल करने वाला देखता ही नहीं है वो नकल करने में भी उसको कितने कमियां हैं। अनुकरण करने वाले वो देखते हैं ऐसा मुझको भी चलना पड़ेगा ये सोचते हैं, क्यों उनको जिनको श्रेष्ठ मानते हैं उनका अनुकरण करते हैं। नकल करने वाले अहंकारी बने रहते हैं, अनुकरण करने वाले सहज होते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप
मवाप्तव्यम वर्तये वच कर्मणि। अर्जुन जरा कान खोल के सुनो तो, मुझे कोई बंदिश नहीं है, मुझे ये करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, फिर भी मैं काम करता रहता हूं। तू मुझको देखा ना, अब जनक की बात भी पुरानी होगी, तक ये तो कहते हैं अरे ठीक है भाई, तो त्रेता युग में हुए थे कभी, वहां तब हो सकता है, आप तो द्वापर आ गया, आप कलयुग में द्वापर युग में कहां हो पाएगा, ऐसे व्यक्ति टाल सकता है, वहां भी मौका नहीं दिया श्री कृष्ण ने। देखो अब मैं तो मुक्त हूं, फिर भी मैं सब करता हूं। किसी ने मुझे पूछा आप क्यों पूजा करते हैं, मैंने कहा हम कुछ कर रहे हैं पूजा ताकि सब लोग करें कुछ, मुझे पूजा करें यज्ञ करें ना करें बराबर है, सत्संग करूं या ना करूं बराबर है, पूजा करूं या ना करूं मुझे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे आप क्यों पूजा करें, आप तो तृप्त हैं, आप तो अपने आत्मस्थ हो, आपको क्या जरूरी है, आप तो करें भगवान सब जगह है, आप स्वयं भीतर बाहर सब जगह ईश्वर है, आप पूजा क्यों करते नहीं। इसलिए करते हैं कि एक परंपरा एक पद्धति आगे वाले पीढ़ी तक जाए, एक पद्धति है वो किसी ना किसी को तो उससे लाभ पहुंचता ही है, हमारे लिए तो कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, विशेष लाभ है ही नहीं उसमें, चुप बैठे आरती करें एक ही बात है, मगर आरती करोगे तो बच्चे भी देखेंगे उसको सीखेंगे, एक वातावरण से निर्मित हो जाता है, इसलिए पूजा करते हैं ना। श्री रामचंद्र जी को पूजा करने कोई तरकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूजा करी। इसी तरह श्री कृष्ण को योग में ध्यान में बैठने की कोई तरकार नहीं थी, मगर रोज ध्यान में बैठा करते, आंख बंद करो खोलो एक ही, जब ब्रह्म सत्ता का ज्ञान हो जाता है फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ध्यान करो ना करो, हमेशा चैतन्य बना रहता है, तो प्राणायाम करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मगर फिर भी बैठते थे ध्यान में, एक नियम का पालन करते थे, फिर भी कुछ काम करते थे। इसलिए कहते कि देखो मैं कर रहा हूं, श्री कृष्ण की दिनचर्या में है, रोज सुबह उठ के बैठ के वो अपने आत्मस्थ भाव का ध्यान किया करते थे और लोगों का हालचाल पूछते थे, जाके खूब चीजों को बांटते थे गरीबों में, लोगों से मिलते थे। तो ये सब जो दिनचर्या है प्रक्रिया है उसके बारे में बताते, कहते हैं कि मुझे कोई बंदिश नहीं है फिर भी मैं ये सब कर रहा हूं, तरह से तुम भी तुम्हारा जो राज्य पालन करने का जिम्मेदारी है उसको तुम निभाओ।